हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिकुम। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड पे एक बायोमेट्रिक लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों कई बार दोस्तों ऐसा होता होगा या फिर होगा कि दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर मतलब कहीं भी दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका आज के टाइम में दोस्तों आधार कार्ड दोस्तों काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे बैंक अकाउंट से देखा जाए तो, काफ़ी ऐसे जो भी चीज़ें हैं उन सब से लिंक है। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है दोस्तों कि कहीं आप जा रहे हैं, कोई आपको पकड़ ले और बोले कि आपका आधार कार्ड का जो आधार कार्ड है मतलब आपका फिंगरप्रिंट वो ले ले, और फिर दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट लेने के बाद दोस्तों हो सकता है दोस्तों कि आपको बैंक से पैसा उड़ा ले, या फिर कहीं भी दोस्तों मतलब आपका जितने भी मतलब आधार कार्ड से जो भी चीज़ें लिंक है उन सब में दोस्तों हो सकता है उनके साथ कुछ मतलब छेड़छाड़ कर दे दोस्तों, जिससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक लॉक लगा सकते हैं, जिससे कि दोस्तों जब आप दोस्तों यहाँ पे लॉक लगा देंगे दोस्तों तो कहीं भी दोस्तों अगर आपका फिंगरप्रिंट पड़ता है या तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों वो जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, वो तभी वेरीफाई होगा दोस्तों जब आप बायोमेट्रिक लॉक को हटाएंगे। तो दोस्तों ये कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो दोस्तों आधार कार्ड की तरफ से ही जारी किया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों एम आधार दोस्तों। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप सर्च करना होगा आपको प्ले स्टोर में जाकर। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये वाला जो एप्लीकेशन है दोस्तों एम आधार दोस्तों, एम आधार दोस्तों इसको आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और दोस्तों ये दोस्तों इसमें दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये दोस्तों है ये आधार कार्ड की तरफ से ही जारी किया गया है दोस्तों। जब दोस्तों आप इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे दोस्तों तो आपको फ़ोन नंबर आपको देना होगा, उसके बाद दोस्तों ईमेल भी देना होगा और आपको अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा, उसके बाद दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो पाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे जो अकाउंट बना लिया है, मैं दोस्तों इसमें आपको लॉगिन होकर दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें दोस्तों बात ये भी आती है दोस्तों कि कहीं दोस्तों आपका फ़ोन खो गया या फिर मतलब आपका फ़ोन खो गया या फिर ये ऐप डिलीट हो गया आपके फ़ोन से तो क्या होगा। तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, आप इसे जब भी डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों एक इसका पासवर्ड होगा 4 डिजिट का, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, जब उसे आप कहीं भी डालेंगे, कहीं भी मतलब किसी भी फ़ोन में उसे डाउनलोड कर इस कोड को डालेंगे दोस्तों तो आपका जो है आधार कार्ड आ जाएगा दोस्तों। वहाँ से दोस्तों आप बायोमेट्रिक लॉक को लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, यानी मतलब सो इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो दोस्तों मैं देख सकते दोस्तों मैं यहाँ पे इसे ओपन कर रहा हूँ दोस्तों और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक लॉक लगा सकते हैं। सिंपल दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों एक बायोमेट्रिक लॉक दोस्तों यहाँ पे लिखा रहे दोस्तों, बायोमेट्रिक लॉक क्लिक अनलॉक ये बोल रहा है दोस्तों। मेरे आधार कार्ड पर दोस्तों बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और दोस्तों यहाँ पे जो बायोमेट्रिक लॉक को मैंने अनलॉक कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों ये जो है अनलॉक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये टाइम बता रहा है। ठीक है, बायोमेट्रिक वी लॉक इन ये बोल रहा है दोस्तों कि ये तकरीबन 9 मिनट में खुद ब खुद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर से आपको लॉक लगाना है तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, बायोमेट्रिक लॉक बोल रहा है कि 1 मिनट देखें, योर बायोमेट्रिक डाटा इज अनलॉकेड, योर कैन नॉट एक्सेस दी बायोमेट्रिक सेटिंग नाउ। ठीक है, तो हम लोग सेटिंग में जाकर देखते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, ये दोस्तों खुद ब खुद 9 मिनट के बाद जो है लॉक यहाँ से हट जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इस ऐप में दोस्तों आकर दोस्तों आप बायोमेट्रिक का जो लॉक है दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप QR कोड भी दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं अपने आधार कार्ड का दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों QR कोड स्कैन कर सकते हैं और दोस्तों अपने KYC दोस्तों यहाँ पे जो है ई शेयर दोस्तों से, मान लीजिए व्हाट्सएप पे दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड को शेयर करना है तो दोस्तों देख सकते हैं शेयर ई के सी
केवाईसी, इसका मतलब केवाईसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और दोस्तों अपना क्यूआर कोड भी देख सकते हैं और दोस्तों क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हैं। ये दोस्तों बोल है दोस्तों कि तकरीबन आपको 8 मिनट इंतज़ार करना होगा, उसी के बाद उसके बाद दोस्तों आप इसमें दोस्तों कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इंतज़ार कर लेते हैं कुछ टाइम। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि ये हम लोगों को कुछ टाइम दिया था, ठीक है तकरीबन 9 मिनट शायद था। अब दोस्तों 9 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और ये पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग दोस्तों इसके सेटिंग वगैरह में जाकर कोई भी चीज़ देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों जब आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है ऐप है, जब इसमें आप आएंगे तो आने के बाद दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप जो भी इसमें पिन डाले होंगे आपसे वो पूछेगा, ठीक है तो आप उसे डालें और ओके दबाएं। उसके बाद दोस्तों 3 यहाँ पे डॉट है, उसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसके कुछ है दोस्तों होम और सेटिंग दिए हैं जहाँ पे आप जाकर कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है तो दोस्तों इसे आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। अब दोस्तों इसके अंदर जाकर हम लोग बायोमेट्रिक का जो सेटिंग है उसे दोस्तों देख लेते हैं कैसा है। अगर दोस्तों इसमें दोस्तों अगर आपके घर में दोस्तों आपके माता पिता या फिर ब्रदर सिस्टर हैं जिनका दोस्तों आप चाहते हैं दोस्तों कि उनका भी आधार कार्ड इसी प्रकार मतलब सिक्योर है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पे और भी आधार कार्ड जो है लिंक कर सकते हैं। ठीक है तो ये दोस्तों बेस्ट है एक तरह से। अब दोस्तों मैं दोस्तों जब जब इसे आप ओपन करेंगे दोस्तों, जब जब ओपन करेंगे तब तब आपको यहाँ पे जो है पासपोर्ट देना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पासपोर्ट दे दिया, ठीक है और ये खुल चुका है दोस्तों। अब दोस्तों जो जब दोस्तों मैं यहाँ पे बायोमेट्रिक अनलॉक पे 1 मिनट ये ले रहा है क्लिक करूँगा दोस्तों, तो ये क्या करेगा जो है अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कि बायोमेट्रिक लॉक टू अनलॉक, यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। फिर तकरीबन आपको 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो हम लोग सेटिंग में जाकर देख लेते हैं एक बार। सेटिंग में दोस्तों यही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दोस्तों लोडिंग ले रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्यूआर कोड दिखा रहा था उस टाइम पर नहीं दिख रहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका जो टाइमर था वो चल रहा था दोस्तों। शेयर ईकेवाईसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको आधार व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए किसी को अपना आधार कार्ड सेंड करना है तो आप ईकेवाईसी पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्यूआर कोड शो कराना है दोस्तों, तो यहाँ पे शो क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए और आपका जो क्यूआर कोड है वो शो हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों आपका जो क्यूआर कोड है दोस्तों शो हो गया दोस्तों। अगर इसे आपको शेयर करना है तो शेयर पे क्लिक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस ऐप के बारे में दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों। ये ऐप दोस्तों काफ़ी बेस्ट है दोस्तों, हो सकता है ये जो ऐप है अभी नया है, इसमें काफ़ी ऐसे चेंजेस होंगे जो फ्यूचर के लिए दोस्तों बेस्ट होंगे और हमारे लिए भी बेस्ट होंगे। और दोस्तों इसका इस ऐप का अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने आधार कार्ड को सिक्योर कर पाएंगे और सही रहेगा दोस्तों ये। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो का लाइक कीजिए दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर करें।